उपायुक्त के निर्देश पर कटकमदाग प्रखंड में लगभग 60 एकड़ सरकारी भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। कटकमदाग प्रखंड में भूमाफियाओं द्वारा लगभग 60 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध रूप से चारद्वारी का निर्माण कर हड़पने की मंशा पर जिला प्रशासन व प्रखंड प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर लगभग 100 महिला व पुलिस बल तथा 3 दंडाधिकारियों की टीम ने भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन को हड़पने के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सीओ कटकमदाग ने बताया कि सुबह लगभग 10 बजे से कार्रवाई शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक चली। इस व्यापक कार्रवाई के क्रम में मौजा दामोडी 6 एकड़, मौजा सिरसी में 26 एकड़ तथा खपरियावा के पंचशील में 22 एकड़ अलग अलग जगहों में 25 एकड़ 34 डिसमिल सरकारी जमीन पर निर्मित चारद्वारी को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दंडाधिकारियों की टीम में सीओ केरेडारी राकेश तिवारी, कटकमदाग बीडीओ शालिनी खलको, सीओ कटकमदाग शशिभूषण सिंह तथा पूरी प्रखंड प्रशासन की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हजारीबाग डेस्क की रिपोर्ट। हटाया जा रहा है मौजा डामोडी सिरसी और खपरियावा में पूरा हो चुका है और ये भी खपरियावा का पंचशील एरिया है जिस पर अभी कार्रवाई हो रही है। किस किस प्लॉट में डामोडी में खाता नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन करीब 4-5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, उसको हम लोगों ने हटाया है। और यहाँ जो 273 मौजा खपरियावा का मौजा सिरसी का 273 खाता में हटाया गया और 200 अकाउंट खाता में। सर, सरकारी बोर्ड लगने के बावजूद लोग धड़ल्ले से जमीन कब्जा कर घर बना रहे हैं। जी, यहाँ पर सरकारी बोर्ड हम लोगों ने लगवाया था कि सरकारी ज़मीनें किसी प्रकार का खरीद बिक्री नहीं करें, लेकिन अतिक्रमणकारियों का मन इतना बड़ा हुआ है कि धड़ल्ले से मना करने के बावजूद इन्होंने अतिक्रमण किया है और इसीलिए जिला प्रशासन का आदेश से आज हम लोग आए हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। और आप लोगों के माध्यम से ये भी बता रहे हैं इन लोगों को कि भविष्य में इस प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें और जो भी अतिक्रमण सरकारी जमीन में किए हैं अभिलंब हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक उसे हटा दिया जाएगा। सर, जो घर बनकर तैयार हो गए हैं, लोग रहने लगे हैं, उसके उस पर कार्रवाई कब होगी? जो घर बना के रह रहे हैं उस पर हम सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे करवाने के बाद उन पर अतिक्रमणवाद चलाया जाएगा। अतिक्रमणवाद में आदेश पारित होने के बाद उस घर को भी ढहाया जाएगा। कौन से बड़े लोग इसमें शामिल हैं अतिक्रमण करने में? ये तो मुझे सर्वे होने के बाद ही पता चलेगा कौन लोग शामिल हैं। और इसमें बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं है, सबके साथ एक ही न्याय होगा। जो बड़े हों चाहे छोटे, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हैं उसको हटाया जाएगा। एफआईआर भी दर्ज हमने करवाया है और FIR दर्ज करने के बावजूद कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। वो ये तो पुलिस प्रशासन का काम है और हम लोगों ने FIR किया, उस पर कार्रवाई हो भी रही है। सर, जो लोग जमीन पे अतिक्रमण कर घर बना ले रहे हैं, क्या उनकी जमीन जो है वो रजिस्ट्री हो रही है क्या? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा हुआ है और हमारे अंचल से उसको LPC निर्गत नहीं किया गया है किसी प्रकार का। गणित मैरिज हॉल रामगढ़, शादी और पार्टी के लिए एक आदर्श स्थान। निर्मित 18 AC रूम, 4500 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट के हॉल के साथ किचन, स्टोर और पार्किंग की सुव्यवस्थित अलग सुविधा, साथ ही लगभग 14000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया, 24 घंटे बिजली जनरेटर सुविधा के साथ, टेंट, लाइट एवं फूलों के आकर्षक सजावट के साथ उचित दर पर उपलब्ध है। हमारा पता है गणित मैरिज हॉल, बागिन बाजार के निकट, नामगढ़ कैंट। हमारा मोबाइल नंबर है 9835128509। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789654310।